हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। हम पढ़ रहे थे यूनिट नंबर 5। आज हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 5। थर्ड यूनिट तक हमने पहले पढ़ लिया था, ठीक है। पिछले वीडियो में जो हमने पढ़ा था वो यूनिट नंबर 3 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। आज की जो हमारी यूनिट है वो है यूनिट नंबर 5, मल्टीपल्स एंड फैक्टर। तो पहले हम समझ लेते हैं मल्टीपल्स क्या होते हैं, ठीक है। तो मल्टीपल्स का मतलब है सीधा सीधा, मतलब ऐसा नंबर जो किसी की टेबल में आता है वो उसका मल्टीपल होता है। जैसे 9 की टेबल में जो नंबर आते हैं वो 9 के मल्टीपल है, 2 की टेबल में जो सारे नंबर आते हैं वो 2 के मल्टीपल्स है, ठीक है। यानी कि किसी की भी टेबल में जो नंबर आ रहे हैं वो उसके मल्टीपल्स होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मल्टीपल्स के बारे में कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीपल है, कुछ बातें हैं वो हम पढ़ लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीपल्स, तो फर्स्ट है एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 1। हर नंबर 1 का मल्टीपल है क्योंकि सारे नंबर 1 की टेबल में आते हैं, ठीक है। चाहे कोई भी नंबर हो जो 1 से बड़ा है वो सारे नंबर 1 की टेबल में आते हैं। इस वजह से जितने भी नंबर है वो सारे 1 के मल्टीपल हैं, 1 की टेबल में सारे नंबर आते हैं। तो मल्टीपल का मतलब ही यही होता है कि जो टेबल में आने वाला नंबर है, ठीक है। तो 2 के मल्टीपल क्या होंगे, जो 2 की टेबल में आते हैं। तो इसी टाइप से 1 की टेबल में जो भी नंबर आते हैं वो सारे 1 के मल्टीपल है। इस वजह से हर नंबर 1 का मल्टीपल होता है, चाहे कोई भी नंबर है, ठीक है, वो 1 का मल्टीपल होगा। एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। हर नंबर खुद का भी मल्टीपल होगा, यानी कि अगर हम 2 के मल्टीपल की बात करें तो वो 2 खुद का भी मल्टीपल होगा, 2 का भी होगा। 4 की बात करें तो वो 4 का भी मल्टीपल होगा, ठीक है। यानी कि जिस मल्टीपल की हम बात करें जिसके, तो उसमें जो खुद है वो नंबर वो भी मल्टीपल है एक, ठीक है। जैसे कि हमने 9 की मल्टीपल की बात की तो 9 जो है वो खुद 9 भी एक मल्टीपल है उसमें। फिर लिख रखा देयर आर इन्फिनाइट मल्टीपल्स ऑफ एवरी नंबर। हर नंबर, जैसे मैंने अभी यहाँ एग्जांपल दिया था 9, तो 9 जो है उसमें जितने भी नंबर है मल्टीपल है वो अनगिनत होंगे, इन्फिनाइट। यानी फिक्स नहीं है कि 10 ही मल्टीपल होंगे। जो हम टेबल लिखते हैं उसमें 10 तक लिखते हैं मल्टीपल, ठीक है, तो उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। हमको क्या करना है, 9 से मल्टीप्लाई करते रहना बस। तो इन्फिनाइट यानी कि बहुत सारे होते हैं, अनगिनत क्या होते हैं, इन्फिनिटी, अनगिनत मल्टीपल होते हैं। हर नंबर के मल्टीपल अनगिनत होते हैं, कभी ख़त्म नहीं होते, मल्टीपल चलते रहते हैं। एवरी मल्टीपल ऑफ ए नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू नंबर इटसेल्फ। किसी भी नंबर का मल्टीपल या तो उसके इक्वल होगा या उससे बड़ा ही होगा, छोटा नहीं हो सकता। जैसे मैंने बताया 2 का मल्टीपल, तो 2 का मल्टीपल 1 नहीं हो सकता है, ठीक है, उससे या तो वो 2 होगा या उससे बड़ा ही होगा। इसी तरीके से 5 का मल्टीपल है तो वो 5 से छोटा नहीं हो सकता है, उस या तो वो 5 होगा या उससे बड़े ही होंगे नंबर। तो हर मल्टीपल जो होगा वो या तो इक्वल होगा या उससे बड़ा होगा, ग्रेटर नंबर होगा या इक्वल होगा, ठीक है। यहाँ पर एक एग्जांपल है, जैसे 9 के मल्टीपल में लिखे 9, 18, 27, 36, 45 और भी ऐसे, तो अनगिनत चलते रहेंगे ये मल्टीपल जो है, जो 9 के टेबल में आने वाले नंबर है। जैसे हमने 90 तक लिख लिया तो उसके बाद भी चलते रहेंगे ये नंबर, ठीक है, 99 इस टाइप से, यानी कि ख़त्म नहीं होंगे कभी भी। तो ये है मल्टीपल्स के बारे में कुछ बातें जो आपको याद रखनी। ये ट्रू और फॉल्स के बारे में भी, ट्रू और फॉल्स में भी पूछ सकते हैं इनके बारे में, ठीक है, या फिल इन द ब्लैंक में भी आ सकती है, ठीक है। अब यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1। केवल एक क्वेश्चन पढ़ते हैं इस वीडियो में, बाकी के हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे आपको समझाने के लिए। राइट द फर्स्ट 4 मल्टीपल ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर जो भी नंबर दिए हुए हैं उनके फर्स्ट 4 मल्टीपल, केवल 4 मल्टीपल लिखने, वो भी फर्स्ट 4। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है 4, तो 4 के फर्स्ट 4 मल्टीपल कैसे लिखेंगे हम, ध्यान से देखना। इधर आपको लिखना 4 × 1, 4 × 2, 4 × 3 और 4 × 4। 4 मल्टीपल लिखने, तो हमको पहले 1 से मल्टीप्लाई करना है इसको, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से। और 4 की टेबल है, 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, 4 × 3 = 12, 4 × 4 = 16। तो ये इसके आंसर हो गए, क्या हो गए, 4, 8, 12 और 16। क्या है ये, फर्स्ट 4 मल्टीपल ऑफ 4, फर्स्ट 4 मल्टीपल ऑफ 4, ठीक है। फिर ऐसे ही एक और क्वेश्चन है, 19 नंबर है 19, तो इसके भी मल्टीपल लिखने हैं अपने को, तो ऐसे ही लिखना 19 × 1, 19 × 2, 19 × 3 और 19 × 4। 19 × 1 19, 19 × 2 = 38, 19 × 3 = 57,
और 19 फोर जा 76, ठीक है। तो ये इसके आंसर हो गए, ये 19 के फर्स्ट फोर मल्टीपल हो गए। तो ये मल्टीपल जो है वो इस टाइप से आपको सोल्व करने हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम वो अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।